नमस्कार। आज मैं एक नए तरह की मिठाई बनाऊंगी जो कि चावल से बनता है और इस मिठाई को बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। आप एक बार ज़रूर बनाएं ये वाला मिठाई। तो यहाँ पे क्या क्या हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने चावल लिया है 100 ग्राम और इधर नारियल लिया है 1 कप, गुड़ लिया है 200 ग्राम और इधर इलायची है 2 से 3, पके हुए केले, घी 2 चम्मच, तेल तलने के लिए। और अगर आप चाहें तो इसका इंग्रेडिएंट्स जो है हिंदी में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। नारियल को मैंने छिलका छील लिया है और इसको हम ग्राइंडर जार में, जैसे चटनी जार है, इसको कद्दूकस कर लेंगे। और चावल को हम अभी ग्राइंड करेंगे। चावल में थोड़ा सा पानी डालें। देखिए मैंने लगभग आधा कप या 1 कप पानी डाला है। चावल को आप तुरंत से नहीं करना है, आपको चावल को मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगोया था। तो अभी एक बर्तन में हम लेंगे गुड़, इसमें लगभग 1/2 कप के करीब लेंगे पानी। इसको उबालने के लिए रखेंगे जितना कि हमारा गुड़ जो है मेल्ट हो जाए, गुड़ मिक्स हो जाए पानी के साथ, इतना ही हमें बॉइल करना है। तो देखिए अभी लगभग 5 से 6 मिनट के बाद ये मेल्ट हो जाएगा। लगभग 5 मिनट हो चुका है और गुड़ भी अच्छे से मिक्स हो गया है पानी में। अगर आपका पानी थोड़ा कम लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अभी हम इस समय डालेंगे नारियल जो कद्दूकस किया था मैंने। अभी केला को मैंने मैश कर लिया है, 2 पके हुए केले को, और इसको भी हम इसी समय डालेंगे। और ये है इलायची कुटी हुई 2, इसको भी हम डालेंगे। और इसी समय आप जो है घी, जो मैंने बोला था इंग्रेडिएंट्स में, घी भी आप इसी समय डालें, क्योंकि मैं भूल गई थी तो मैं बाद में डाल रही हूँ। तो आप जो है घी अभी इसी समय ही डाल दें। अभी हमारा जो ग्राइंड किया हुआ जो चावल का पेस्ट था, इसको धीरे धीरे करते हुए हम मिलाएंगे। तो एक डो तैयार करेंगे इसका। तो गैस का जो फ्लेम है इसको मीडियम रखें और ऐसे चलाते हुए धीरे धीरे करके मिलाएं। तो घी मैं अभी डाल रही हूँ, आप चाहे तो जिस टाइम आप नारियल डाल रहे हैं, केला डाल रहे हैं, उसी समय ही डालें, अच्छा रहता है, मिक्स हो जाता है। मैं भूल गई थी इसलिए मैं बाद में डाल रही हूँ। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेंगे। देखिए एक गाढ़ा सा बैटर बन गया है, गाढ़ा सा डो बन गया है। इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे अभी ठंडा होने के लिए। इसको आप ढक्कन लगा के 5 से 6 मिनट तक रखा रहने दीजिए, ताकि चावल का जितना भी थोड़ा बहुत नहीं पका हो तो पक जाएगी। और अभी जो है प्लेट में निकाल लें आप चावल की जो डो है, और इसको ठंडा होने के लिए 10 मिनट रखें। उसके बाद इसको मैश कर लेना है अच्छे से, अच्छे से आपको गूंथ लेना है। उसके बाद एक बॉल बना लेना है आपको। देखिए इस तरीके से बॉल बना लेना है, मैंने सारे बॉल बना लिया है। अभी आपके पास ऐसे जो छलनी है, इसमें थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसमें एक बनाएंगे डिजाइन, ताकि ये ऐसे बहुत सुंदर लगता है और बच्चे को बहुत अच्छा पसंद आता है। तो दोनों साइड चाहे तो आप बना सकते हैं डिजाइन। तो सभी बॉल को मैंने डिजाइन बना लिया है। अभी एक कढ़ाई लूँगी मैं, और इसमें मैंने तेल गर्म करने के लिए रख दिया था ऑलरेडी। तो इसमें आपको कढ़ाई भर के तेल नहीं लेना है, लगभग 200 से 150 ml तक लेना है। तेल ऑलरेडी गर्म हो चुका है और एक एक करके हम इसको सैलो फ्राई करेंगे। इसको डीप फ्राई नहीं करना है, सैलो फ्राई में ही ये ऑलरेडी पक चुका है चावल। तो इसको ऐसे ही थोड़ा सा सैलो फ्राई ही करेंगे, क्योंकि इसमें जो कलर आएगा इसका और क्रंची हो जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा कलर दिख रहा है। वीडियो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो है ऑन कर लें। ऐसे पलटते हुए आपको
सेक लेना है। गैस को हाई मीडियम फ्लेम रखें तो लगभग आपको 5 से 7 मिनट लग जाएगा ऐसे क्रंची करने के लिए। इसको दोनों साइड ऐसे देखिए क्रिस्पी हो जाएगा। अभी कितना सुंदर लग रहा है इसका कलर। अभी हमारा जो मिठाई है रेडी है खाने के लिए। इसको ज़रूर बनाएं एक बार, बच्चे को बहुत पसंद आता है। इसका डिज़ाइन बहुत सुंदर लगता है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। एक बार ज़रूर बनाएं। अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।